हाय फ्रेंड्स, इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्प्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2, राइट? एन इंट्रोडक्शन हैज बीन डन. नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, दैट इज 2.2. व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर रिस्पेक्टिवली. इट मीन्स कि हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज, राइट? सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो पहले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है -1, सम ऑफ जीरोज है हमारे पास 1/4. अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर वे से करके देखते हैं इसको. लेट करके चलते हैं एक पॉलिनोमियल. लेट द पॉलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इट जीरोज आर, हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट, एंड इट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा. हम ये मान के चल रहे हैं कि इसके जो जीरोज हैं वो अल्फा बीटा हैं और ये हमने कोई पॉलिनोमियल लेट कर रहा है, राइट? नेक्स्ट इज, अब अगर हम सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा कितना होएगा, 1/4. अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ये होगा -1. अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज. एग्जाम में आएगा बिल्कुल ऐसे ही करना है, सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. अब सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, 1/4 एक्स. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास, -1. ये बन गई हमारे पास एक पॉलिनोमियल की इक्वेशन. एक पॉलिनोमियल बोलेंगे, इक्वेशन नहीं बोलेंगे. अभी मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगी कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है. पॉलिनोमियल और इक्वेशन एक ही बात नहीं होती, इतना क्लियर है. अब एक चीज़ सोच के देखो कि अगर ये हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है तो अगर मैं यहाँ 2 लिख दूँ या 3 लिख दूँ या 4 लिख दूँ, या मैं कितने भी नंबर लिख सकती हूँ जिनको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास पॉलिनोमियल ही फॉर्म होगा, है ना? तो इस केस में कोई अदर पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, इस केस में अदर पॉलिनोमियल हो सकता है हमारे पास के एक्स स्क्वायर -1/4 -1. के मतलब कोई भी वैल्यू, कोई भी इंटीजर, ठीक है? तो अब क्या है, के है, अगर मैं यहाँ पे के को 4 मान लूँ, इफ़ के इज इक्वल्स टू 4 है मान लो, राइट? तो अगर के इज इक्वल्स टू 4 होगा तो यहाँ 4 लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लो अंदर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई पॉलिनोमियल की. दिस वुड बी योर आंसर. आई होप इट इज़ क्लियर. कभी भी क्या करना है, जो हमने ये वाली फॉर्म बनाने के बाद में कोई भी एक अदर पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसमें के एक इंटीजर का काम करेगा, फिर जो हमारे पास यहाँ पे डिनोमेटर में एलसीएम लेके आ रहा होगा ना, वही हमने के को पुट कर देना है, फिर वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. इस तरीके से होता है सब. अब सारे क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में उसी फॉर्म के हैं, उस क्वेश्चन के अंदर. ये कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये करते हैं, ठीक है? इसके बेसिस पे 2 और 3 क्वेश्चन और करेंगे. अब क्या है ना, पहले हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, सम ऑफ जीरोस पहले से ही दे रखे थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी पहले से ही दे रखा था. अब हमें इसमें सिर्फ 4 और 6 दे रखा है जो कि सिर्फ जीरोज हैं. तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पहले हम इसके सम ऑफ जीरोज निकालेंगे. सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब कि ये 2 जीरोज हैं, तो सम कर दो इनका तो सम ऑफ जीरोज आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे होगा, 4 × 6 दैट इज 24. स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने, पॉलिनोमियल फॉर्म क्या होती है, पॉलिनोमियल फॉर्म होती है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म. अब हमने सम ऑफ जीरोज क्या कैलकुलेट करा है, 10 एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, 24. दिस इज योर आंसर. इजी. अब एक क्वेश्चन करते हैं जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है ऐसे क्वेश्चंस. अब एक क्वेश्चन समझते हैं. इफ अल्फा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस क्वेश्चन को. इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल के, इस वाले पॉलिनोमियल के ये जीरोज हैं, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस. तो हमें एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोज ये हैं, ये जीरो तो इस वाले पॉलिनोमियल के हैं,
अब ये जीरो पता नहीं किस पॉलिनोमियल के हैं, जो हमें पता नहीं है वही फाइंड करना है, मतलब ये इसकी इक्वेशन क्या, इसका पॉलिनोमियल क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा हमारे पास गिवन है उसको यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, हमें पता है कि सिंस अल्फा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। अल्फा बीटा इसके ज़ीरोज हैं। तो अगर हम बात करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज निकालना होता है, राइट, अगर हमने लिखना है इसके सम ऑफ ज़ीरोज, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होना चाहिए, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज की बात करते हैं तो इट शुड बी सी बाय ए। ये गिवन डेटा से हमने फैच कर लिया। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ना, ज़ीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ज़ीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आर वन बाय अल्फा एंड वन बाय बीटा, ईजी। अब हम क्या करेंगे, कोई भी पॉलिनोमियल बनाने के लिए हमें उसका सम ऑफ ज़ीरो पता होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज पता होना चाहिए, तो वो तो पता ही नहीं है पर हमें ज़ीरोज पता है, तो इनको यूज़ करते हैं। अब हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज, सम ऑफ ज़ीरोज करेंगे मीन्स वन बाय अल्फ़ा प्लस वन बाय बीटा इक्वल्स टू एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, एलसीएम लेके आप प्लस करो। इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा, टू प्लस थ्री लिखो या थ्री प्लस टू मीन्स द सेम, बीटा प्लस अल्फ़ा लिखो या अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पहले कैलकुलेट करा है पीछे, यहाँ पर हमने कैलकुलेट करा है ये रहा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा बीटा होता है सी बाय ए। तो हम क्या करने वाले हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज़ माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या, सी बाय ए, ए से ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया मेरे पास माइनस बी बाय सी। ईजी, सम ऑफ ज़ीरोज आया मेरे पास माइनस बी बाय सी। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज देखते हैं क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज मतलब अल्फ़ा वन बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय वन बाय बीटा, क्या आना चाहिए, वन बाय अल्फ़ा बीटा, वन इंटू वन, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी थी, सी बाय ए, तो ये हो जाएगा ए बाय सी। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। नेक्स्ट, जो हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म होती है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो है हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज, सम ऑफ ज़ीरोज मतलब क्या निकल के आया था अभी, सम ऑफ ज़ीरोज ये आया था ना रिक्वायर्ड वाली इक्वेशन का, रिक्वायर्ड वाले पॉलिनोमियल का, माइनस बी बाय सी, माइनस बी बाय सी, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज क्या आया था, ए बाय सी प्लस ए बाय सी, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, क्या आएगा एलसीएम लेके, सी, तो ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए। अब हमें ये कैंसिल करना होता है, तो अभी मैंने 2.2 का जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन कराया था अभी, उसमें बताया था कि हम कोई भी इस तरीके कितने भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना एलसीएम आएगा उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बाय में सी, ये कैंसिल हो गया एंड योर रिक्वायर्ड आंसर इज सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। ये क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, बट यू गाइस शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज यू विल सी ऑल दिस क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स, राइट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम गिविंग यू ओनली थ्री क्वेश्चंस that you solve and ask me in the comment box if you feel like some problem. Form the quadratic polynomial whose zeros are minus 3, 5. Right? हमें quadratic polynomial form करना है जिसके zeros हैं minus 3, 5. Right? Next. If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, x square plus 4x plus 3. अगर alpha, beta इसके zeros हैं, तो हमें एक नया पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके ज़ीरोज़ ये हैं, ठीक है, तो हम इन
इन जीरोज़ को यूज़ कर कर अल्फ़ा बीटा की फॉर्म सॉल्व करेंगे, जैसे अभी हमने जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सिक्स, फॉर्म द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर वन बाय अल्फ़ा एंड वन बाय बीटा. ये क्वेश्चन हो गया, फिर इसके साथ सॉल्व करना है वन बाय अल्फ़ा स्क्वायर एंड वन बाय बीटा स्क्वायर, वन प्लस बीटा बाय अल्फ़ा कॉमा वन प्लस अल्फ़ा बीटा. ये एक ज़ीरो है, ये एक ज़ीरो है, ऐसे ये एक ज़ीरो है, ये एक ज़ीरो है. ये खुद में ही फोर क्वेश्चन हो गए हैं, राइट. सो दिस इज़ योर होमवर्क फॉर द डे. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स एंड विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, राइट. वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा फोर मार्क्स का, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, राइट. टिल देन,